धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं हैं। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देंगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह 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 शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, बकरे तू क्यों हंस रहा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी, तब एक ब्राह्मण ने मुझे अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला, उस बच्चे समेत बकरी को मोल खरीद लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तो महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांत कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया, मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया, फिर नरक भोग कर अनेकों योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मेरे सामने आ गया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया, उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा दिया, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार कर दिया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया, उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने कहा, श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजल कर भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ, उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का 8वें पाठ करना शुरू कर दिया। 8वें अध्याय का महात्म समाप्त। गंगा मैया जय गीता।